हेलो एवरीवन, दिस इज़ कौस्तुभ भैया। सो अभी टाइम हो रहा है 5:52 एंड आज डेट है 18 जून। सो ऑलमोस्ट 19 डेज के बाद मैं राइड पे जा रहा हूँ एंड आई होप अभी बारिश ना है। ऑलमोस्ट सनराइज हो चुका है, 6 बज चुके इसलिए एंड चलो चलते हैं। गणपति अप्पा मौर्य। सो ये जो राइड होने वाली है वो जस्ट मेरे लिए प्रैक्टिस सेशन राइड है एंड मेरे बाइक के लिए भी। अभी बस 2 दिन पहले मैंने न्यू टायर्स भी इंस्टॉल किए, सो थोड़ा अभी कॉन्फिडेंस है। आज बारिश नहीं अच्छा है। एक्चुअली मैं कल जाने वाला था लोनावड़ा, बट संडे पे मतलब लोनावड़ा और साइड में जाना, मतलब वो भी खोपली रोड पर ज़रा ट्रैफिक भी मिलेगा, तो इसलिए नहीं गया। एंड आज मंडे तो छुट्टी थी मुझे, तो आज अभी राइड पे जा रहा हूँ। सब लोग वीकेंड राइड पे जाते हैं, मैं जब वीक स्टार्ट होता है तभी जा रहा हूँ राइड पे। अच्छा है, हाईवे पूरा खुला मिलेगा। अभी कल रात तक मुझे पता भी नहीं था मैं जाने वाला हूँ या नहीं, इसलिए सोच रहा था कौन सा डेस्टिनेशन ले लूँ कि कहीं पे जाऊँ शॉर्ट राइड के लिए, क्योंकि मुंबई कर्ज के लिए तो लोनावड़ा इधर देन इगतपुरी साइड कसाराघाट एंड दमन गुजरात साइड। अरे सिग्नल है, अभी ठोकने वाला था पीछे से मुझे, सिग्नल पे ध्यान नहीं था। क्या करूँ, मैं भी जाऊँ क्या? सो अभी मुझे इसलिए मैंने पेट्रोल भी नहीं भरा है पूरा, मतलब नील हो चुका है, एमपी हो चुका है। अभी पहले माटुंगा में जाके पेट्रोल फिल करूँगा। प्लीज यार अभी मत पूछना कौन सा कैमरा किधर जा रहे हो, ये क्या है, ऑकवर्ड लगता है, सब लोग पूछते हैं, वाह वाह लेते हैं मेरा 500। मैं जा रहा हूँ माउंटेरिया रिसोर्ट न्यूजीलैंड के पीछे वाले साइड पे, वहाँ पे एक बंद एरोप्लेन है। सो वहाँ पे अगर कुछ फोटो शूट करूँगा एंड कुछ मैंने बहुत सारे लोगों के वहाँ पे फोटो देखे थे, इसलिए मेरे पास कुछ नया लोकेशन नहीं था कि कहाँ पे जाओ। अभी जस्ट 40 किलोमीटर है, व्यू है यार, पूरे बादल आ चुके हैं माउंटेन के ऊपर लग रहे हैं। वाओ, अबैंडन्ड मॉडल ऑफ एक्चुअल एरोप्लेन। तो ये जो बंद एरोप्लेन है पर उसे आप गूगल पे सर्च कर सकते हो एंड अभी डायरेक्शन इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो 11 किलोमीटर्स टू गो। हाय, इतना बड़ा है रे। माउंटेरिया रिसोर्ट, ओहो आंटी, ये माउंटेन रिसोर्ट के लिए है एंड यहाँ से अभी प्लेन
अच्छा जाने का। अरे ये तो पूरा घूम के आना पड़ेगा क्या? कहाँ से है रोड? गांव में छोरा, शहर पर ढिंडोरा। बाजू में गली थी। भाई साहब सुना का? ये तो पूरा ऑफ रोड नहीं है और खाली है। चलो बेटा स्किल दिखाओ अपने। बस ऑलमोस्ट 8:45 हो चुके हैं एंड मेरा फोटो सेशन भी हो गया। आई होप आपको 360 डिग्री व्यू पसंद आया होगा। एंड या बस अभी वीकडे का आने का यही फ़ायदा था कि फ़ोटो सेशन के लिए मुझे कुछ टेंशन नहीं लेना पड़ा। यहाँ पे मुझे कुछ एंट्री फीस देनी पड़ी 50 रुपीज़, वो मैंने दे दी अंकल को। सो या इसका मैंने जो मतलब गूगल का जो मैप का लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मुंबई से अराउंड ये 70 किलोमीटर्स है। मोंटेरिया रिसोर्ट है वहाँ पे, उसके बाजू में ये वहाँ पे कभी जैसे मैं आया आते वक्त आपने देखा। सो या ये जस्ट मेरी प्रिपरेशन राइड कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे बाइक भी टेस्ट करनी थी, क्योंकि इससे बाद जो राइड होने वाली है उसके लिए मैं कुछ रिस्क नहीं लेना था। एंड मैं भी बहुत दिनों के बाद राइड पे आया हूँ, ऑलमोस्ट 90 डेज के बाद जैसे मैंने सुबह बताया। सो मुझे भी ज़रा मतलब कॉन्फिडेंस वापस लाना था। एंड आई थिंक मुझे यहाँ पे ही अभी वीडियो ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि अभी सेम रोड है, कुछ नहीं दिखाने के लिए। एंड वीडियो भी मुझे को लंबा नहीं करना है। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I'll see you in the next one. हाँ, यहाँ पे शूटिंग आने वाली है 1 महीने में। अभिषेक बच्चन आने वाले, अंकल बोले मुझे। अंदर शूटिंग होती है, बाहर से खराब दिखता है लेकिन अंदर पूरा शूटिंग होता है। चलो मज़ा आ गया। रनवे पर तू जाने को मिलेगा नहीं, इससे अच्छा यहीं पे आ जाओ। मोंटेरिया रिसोर्ट के ये बाजू में। अभी यूटर्न कहाँ से है? एक बार भी प्लेन देखा नहीं, हाईवे के नजदीक ही था वो हाईवे एंड यहाँ पे प्लेन कभी देखा ही नहीं।